नमस्कार, रीजेंसी सर्वम, बिल्डिंग क्रमांक 29 और 30, सार्वजनिक उत्सव मंडल, यहाँ पधारे हुए सभी गणेश भक्तों का सहर्ष स्वागत करता है। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षः तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो भूमि स्थित है उसका नाम है भारत, और उस पवित्र भारत की पावन भूमि के निवासियों को भारतीय कहा जाता है। भारत माता के वीर सपूतों ने अपने अनगिनत बलिदानों से उसका मस्तक सदैव ही उन्नत किया है। स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच, अर्थात स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा। जी हाँ, यह गर्जना करने वाले लोकमान्य तिलक स्वराज्य के सबसे सशक्त अधिवक्ता थे, जिन्हें हिंदू राष्ट्रवाद का पिता भी कहा जाता है। तानाजी मालुसरे द्वारा की गई प्रतिज्ञा आदि लग्न कोंडाण्याच मग माझ्या रायबाच, शिवाजी महाराज द्वारा देखा गया स्वराज्य का सपना अपने कंधे पर उठाए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति देना, यही है सच्ची देशभक्ति। रतन टाटा जैसे उद्योगपति द्वारा अपनी आय का 65% हिस्सा दान करना, यही है सच्ची देशभक्ति। ऐसी ही सच्ची देशभक्ति का परिचय देते हुए आज हमारे देश के वैज्ञानिकों ने भारत का नाम पूरे विश्व में ही नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड में अंकित कर दिया है। चंद्रयान 3 के माध्यम से आज भारत ने पूरे विश्व में अपनी सफलता का परचम लहराया है। लेकिन क्या यह सफर इतना आसान था? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इन्हीं पंक्तियों पर खरा उतरता हमारा देश आज चंद्रमा तक पहुंच गया है। यह कहानी शुरू हुई आज से करीब 61 साल पहले। इसरो की स्थापना सन 1962 में भारत सरकार द्वारा की गई थी, जिसके मार्गदर्शक और संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। साराभाई के पास उस वक्त गिने चुने वैज्ञानिकों की टीम थी और पैसों की तंगी थी। एक दौर में साइकिल पर रॉकेट का सामान ढोने वाले इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 में पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इसरो ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाया। 1380 किलोग्राम के चंद्रयान 1 को काफी उम्मीदों के साथ भेजा गया। 22 जुलाई 2019 को भारत ने अपना दूसरा मून मिशन अर्थात चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया, जिसने विक्रम लैंडर के साथ चंद्रमा पर लैंड करने का प्रयास किया, लेकिन यह सफल नहीं रहा। अंततः भारत के सपूतों ने फिर से अपनी बौद्धिक क्षमता का परिचय देते हुए पूरी दुनिया को अपना लोहा मनवा ही दिया। 14 जुलाई 2023 को भारत ने दोपहर 2:35 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया। 3, 2, 1, 0 प्लस 5 सेकंड। लिफ्ट ऑफ नॉर्मल। Here we have a majestic lift off of LVM3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM3 M4 रॉकेट का। और आखिरकार 23 अगस्त 2023 शाम 6:04 पर वह शुभ घड़ी आ ही गई, जब हमारे देश का नाम चंद्रमा के श्वेत पटल पर अंकित हो गया। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा, साथ ही हमारा भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने पद चिन्ह छोड़ने वाला पहला देश बन गया। इस मिशन को सफल बनाने में इसरो के हर बड़े कीर्तिमान के साथ भारतीय महिला वैज्ञानिक अनुराधा टी, मुथैया वनीता, मिनल रोहित और रॉकेट वुमन कहलाई जाने वाली ऋतु कारिधाल शामिल हैं, जिन्होंने सारे विश्व को नारी शक्ति का अभूतपूर्व परिचय दिया। देखो कहाँ पहुँच गए हैं हम,
अब चांद से दुनिया देख रहे हैं हम। देखो कहाँ पहुँच गए हैं हम, अब चांद से दुनिया देख रहे हैं हम। जहाँ से छोड़ा था वहाँ से आगे आए हैं। कह सकते हैं अब गर्व से, हम चांद पर होकर आए हैं, हम चांद पर होकर आए हैं। बुद्धि के देवता विघ्नहर्ता श्री गणेश से यही प्रार्थना है कि इसी प्रकार हमारे भारत का तारा सदा चमकता रहे।